जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ की बीते लंबे अरसे से चली आ रही विभाग में विलय की मांग को लेकर आज से पूरे प्रदेश भर में जिला परिषद कैडर कर्मचारी महासंघ ने अनिश्चितकालीन कलम छोड़ो हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे पंचायतों से लेकर उपमंडल अधिकारी कार्यालय तक कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। हिमाचल प्रदेश के सभी 88 ब्लॉकों में यह हड़ताल जारी है। वह करीब 4700 कर्मचारी इस कलम छोड़ो हड़ताल में शामिल है, जिसमें पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, अभियंता, कनिष्ठ अभियंता सहित सभी जिला परिषद काडर कर्मचारी शामिल हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए जिला परिषद काडर कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि वे लंबे समय से विभाग में विलय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसे सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें छठे वेतन आयोग सहित अन्य लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अब उन्होंने आर पार की लड़ाई के लिए तंबू गाड़ दिया है। जब तक सरकार उनकी विभाग में विलय की मांग नहीं मानती, कलम छोड़ो हड़ताल जारी रहेगी। राजेश ठाकुर, जिला परिषद कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश। आज जो हमारे पूरे प्रदेश में जो जिला परिषद काडर की जो एक मांग है, विभाग में विलय, पूरे प्रदेश में लगभग 4700 कर्मचारी है जो आज कलम छोड़ो आंदोलन पे आज उतर आए हैं। इसमें 88 ब्लॉक है पूरे हिमाचल प्रदेश में। सरकार से हमने लंबे समय से हम अपनी मांग रख रहे थे कि हमें जो विभाग में विलय किया जाए, तो सरकार की तरफ से जो एक साल हो गया सरकार को बने हुए, और बार बार अधिकारी द्वारा भी हमें प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमारी जो मांग है उसमें कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमें बार बार आश्वासन दे रहे, उसी उम्मीद पे जो हम लगातार एक साल सरकार से मांग करते रहे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक संदेश हमें नहीं मिला, जिसकी विरोध में जो है पूरे प्रदेश में जो आज ये स्थिति बनी है कि पूरे हमारे जो 88 ब्लॉक है वो सारे आज जो है कलम छोड़ो आंदोलन पे उतर आए हैं। हमने पूरे इसमें हमने सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करके अब थक चुके हम। अब जब तक हम सरकार हमारी बात को नहीं मानती है, तब तक हम जो अपना आंदोलन कलम छोड़ो आंदोलन वो हम नहीं छोड़ेंगे। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए सोलन से जासमिन की रिपोर्ट।